हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू विल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम पोएट्री सेक्शन की फिफ्थ पॉइंट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर करेंगे। इससे पहले हमने मेन कोर्स बुक के 4 चैप्टर्स कर लिए। लेसन 1 द हैप्पी प्रिंस, लेसन 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस, लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लेसन 4 द गिफ्ट फॉर क्रिसमस। इसके अलावा पोएट्री सेक्शन की 4 पॉइंट्स भी कर ली। पॉइंट 1 करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, पॉइंट 2 डेथ द लेवलर, पॉइंट 3 अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह एंड पॉइंट 4 रजिया द टाइग्रेस। इन चैप्टर्स और पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक चैप्टर्स और पॉइंट्स नहीं किए वो कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रोज सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉइंट्स की इंग्लिश पोएट्री सेक्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोएट्री सेक्शन की फिफ्थ पॉइंट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की पोएम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है और उनके मीनिंग्स मैंने हिंदी में साथ में लिखे हैं ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ आ जाए और पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए जान लेते हैं हम थोड़ा सा पोएम के बारे में। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एन थॉटफुल पोएम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नोबल लॉरेट का मतलब क्या होता है। तो नोबल लॉरेट का मतलब ये होता है जो व्यक्ति नोबल पुरस्कार जीतता है हम उसे कहते हैं नोबल लॉरेट। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नोबल पुरस्कार जीता, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। सो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि एक बहुत ही थॉटफुल पोएम है, यानी कि विचारपूर्ण कविता है। टैगोर इज अ पोएट, जो टैगोर हैं वो एक कवि हैं, प्ले राइट, नाटककार हैं एंड ऑफन रेफर्ड एज द बार्ड ऑफ बंगाल, और अक्सर उन्हें बंगाल का कवि या बंगाल का शायर भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल पोएम्स टाइटल गीतांजलि, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1912 एंड वॉन द प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। सो फ्रेंड्स, गीतांजलि नामक एक कविता है जो कि मानव शास्त्री कविताओं में से श्रेष्ठ कविता है, जिसे 1912 में प्रकाशित किया गया था और टैगोर जी ने 1913 में लिटरेचर में यानी कि साहित्य में प्रेस्टिजियस नोबल प्राइज जीता था, यानी कि गौरवपूर्ण नोबल पुरस्कार उन्होंने 1913 में जीता था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सो वेन द पोएम वॉज रिटन, इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल एंड पीपल वेटेड इम्पेशेंटली टू गेट देयर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो फ्रेंड्स, जब ये कविता लिखी गई, यानी कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कविता लिखी गई, तब हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तब जो लोग थे वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आज़ादी का, यानी कि वो आज़ादी के दिन का बेसब्री से इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे। द पोएम इज रिटन एज अ प्रेयर टू गॉड, ये जो कविता है प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। जो टैगोर जी हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। थ्रू दिस पोएम द पोएट रिक्वेस्टेड गॉड व्हाट ही वांट्स हिज कंट्री टू बी लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो टैगोर जी हैं यानी कि जो कवि हैं वो इस कविता के जरिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। किस बात की प्रार्थना करते हैं? वो परमात्मा से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि आज़ादी के बाद उनका देश किस तरह से होना चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि उनका देश
कैसा हो। सो फ्रेंड्स, इस पूरी पोएम में जो टैगोर जी हैं वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें आज़ादी के बाद किस तरह का देश चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि उनका देश आज़ादी के बाद कैसा हो। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल बना हुआ है, आप टेलीग्राम पर सतगुरु इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की पीडीएफ, सभी चैप्टर के यूट्यूब वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम को डिटेल में पढ़ लेते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप into the fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. तो चलिए इन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट प्रेज टू गॉड टू टर्न हिज कंट्री इंटू अ पैराडाइज। टैगोर जी हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके देश को एक स्वर्ग में बदल दें। May it be a paradise where his countrymen are fearless. जो टैगोर जी हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसा स्वर्ग हो जहाँ पर उनके देशवासी निडर हों। He wants them to be a brave and enthusiastic. वो चाहते हैं कि उनके देशवासी बहादुर और उत्साहित हों। They should be able to hold their heads high with dignity. जो टैगोर जी हैं वो ये चाहते हैं कि उनके देशवासी अपना सिर गौरव के साथ ऊंचा रखने में सक्षम हो। दे शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज वाइल एंड डिग्रेडिंग। वो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ ना करें जो नीच और अपमानजनक हो। द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी अ प्लेस वेयर नॉलेज इज फ्री। जो पोएट है वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री में ऐसा स्थान हो जहाँ पर जो नॉलेज है वो फ्री हो, यानि कि ज्ञान सबके लिए मुफ्त हो। जो ज्ञान है वो कॉलेजेस में, स्कूल्स में बेचा ना जाए। जो शिक्षाएं संस्थाएं हैं वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, कलर और क्रीड को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव इन लव एंड यूनिटी। देश में ऐसा स्थान हो जहाँ पर लोग प्यार और एकता से रहते हों। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू नैरो व्यूज ऑफ कास्ट। जो लोग हैं वो नैरो व्यूज यानी कि कास्ट, कलर और क्रीड के कारण एक दूसरे से डिवाइड ना हो, अलग ना हो, विभाजित ना हो। पीपल शुड बी ट्रूथफुल। लोग सच्चे हों, सत्यवादी हों, सच बोलते हों। देयर वर्ड शुड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हर्ट। लोग इतने ज़्यादा सच्चे हों कि उनके जो शब्द हैं वो दिल की गहराई से निकलते हों। इन शॉर्ट, लेट द पीपल ऑफ हिज कंट्री बी फ्री फ्रॉम ऑल ईवल्स। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है टैगोर जी हैं वो यही चाहते हैं कि उनके देश के लोग, उनके देशवासी सभी बुराइयों से मुक्त रहें। देर शुड बी आइडल ह्यूमन बींग्स। वो आदर्श मनुष्य हों। द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी सच अ पैराडाइज। जो पोएट हैं टैगोर जी हैं वो एक ऐसा ही स्वर्ग चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इन लाइन्स में यही बताया गया है कि जो पोएट हैं वो ये चाहते हैं कि आज़ादी के बाद उनका जो देश है वो सभी बुराइयों से मुक्त रहें। जो लोग हैं वो निडर रहें, उत्साह में रहें। वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो एक ऐसा कुछ ना करें जो नीच या अपमानजनक हो। जो ज्ञान है सबके लिए मुफ्त हो। जो पॉइंट है वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके देशवासी हैं वो प्यार और एकता से रहें, ताकि जो कास्ट, कलर और क्रीड की जो दीवारें हैं वो टूट सकें। वो चाहते हैं कि लोग सत्यवादी हों, सच बोलते हों, उनके जो शब्द हैं वो दिल की गहराई से निकलते हों। सो फ्रेंड्स, जो हमने लाइंस पढ़ी थी उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है, आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन लाइंस के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। कविता और कवि का नाम बताइए। द नेम ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड इट्स पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर।
कविता का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और कवि का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कवि का नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को लेकर क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स द पोएट मीन्स नैरो माइंडसेट वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का तात्पर्य ये है कि कास्ट, कलर और क्रीड को लेकर जो दीवारें हमारे दिमाग में सेट हो चुकी हैं, उसे कवि ने नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट वांट नॉलेज टू बी फ्री। जो पोएट हैं, जो टैगोर जी हैं, वो ये क्यों चाहते हैं कि ज्ञान फ्री हो? तो इसका आंसर है नॉलेज इज नेसेसरी टू मेक द कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट। देश को वास्तव में स्वतंत्र करने के लिए, देश को वास्तव में इंडिपेंडेंट करने के लिए जो ज्ञान है वो ज़रूरी है। दैट इज़ वाई द पोएट वॉन्ट्स इट्स टू बी इंडिपेंडेंट। इसीलिए जो पोएट है वो चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो फ्री हो। वट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट वॉन्ट फॉर हिज पीपल। जो पोएट हैं टैगोर जी है, वो किस तरह की लाइफ चाहते हैं देशवासियों के लिए? तो इसका आंसर है द पोएट वॉन्ट्स हिज पीपल टू लीव अ लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट फियर इन देयर हर्ट्स। जो पोएट हैं, जो टैगोर जी हैं, वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग अपने दिल में बिना किसी डर के स्वाभिमान का जीवन जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ स्पेंड करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने लाइंस पढ़ी थी उनके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का फेसबुक पेज बना हुआ है, आप सतगुरु इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट लाइंस को। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नोट्स इट्स वे इनटू द ड्रायरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. तो चलिए फ्रेंड्स, इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The poet prays to God to make his country a paradise of true freedom. जो टैगोर जी हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके देश को सच्ची आज़ादी का स्वर्ग बना दें। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम ऑल ईवल्स। वो चाहते हैं कि उनका देश सभी बुराइयों से मुक्त हो। इट बिकम अ सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। उनका देश एक्सीलेंस का सिंबल बने, यानी कि उत्कृष्टता का प्रतीक बने। All his countrymen should work tirelessly to achieve that excellence. वो चाहते हैं कि उनके देशवासी अथक काम करें, बिना थके काम करें, ताकि उनका देश excellence का symbol बन सके, यानी कि उत्कृष्टता का प्रतीक बन सके। They only use logic. जो poet हैं, टैगोर जी हैं, वो कहते हैं कि जो उनके देशवासी हैं वो सिर्फ logic का इस्तेमाल करें। They should not fall into any superstition. वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़े। दे शुड नॉट फॉल इन टू द रोंग पाथ ड्यू टू वर्न आउट हैबिट्स एंड कस्टम्स। जो टैगोर जी हैं वो चाहते हैं कि उनके देशवासी पुरानी बेकार की रस्मों के कारण गलत रास्ते पर ना पड़े। द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्रीमैन टू बी ओपन माइंडेड। वो चाहते हैं कि उनके देशवासी खुले विचारों वाले हों। लेट देन बी जेनरियस इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। जो टैगोर जी हैं वो चाहते हैं कि उनके देशवासी अपने विचारों और अपने कार्य यानी कि कामों में उदार हों। मे देयर थॉट्स एंड डीड्स बिकम एवरलास्टिंग। वो चाहते हैं कि उनके काम और उनके विचार एवरलास्टिंग रहें, यानी कि चिरस्थाई रहें। दे शुड नॉट बी नैरो इन देयर थॉट्स एंड ड्यूटी। वो अपने विचारों और कर्तव्यों में संकीर्ण ना हों, नैरो ना हों। The poet sincerely prayed that God will illuminate the path for his countrymen. जो poet हैं, टैगोर जी हैं, वो बड़ी ही निष्ठावान से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके देशवासियों के लिए रास्ता रोशन कर दे। He prays that his country will become a true paradise of freedom. वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका देश आज़ादी का स्वर्ग बने। सो फ्रेंड्स, इन लाइंस में जो पोएट है वो यही कह रहे हैं कि उनका देश सच्ची आज़ादी का स्वर्ग बन जाए।
उनका देश सभी बुराइयों से मुक्त हो जाए, उनका देश एक्सीलेंस का सिंबल बने, लोग इतना ज़्यादा काम करें कि वो अपने देश को एक्सीलेंस का सिंबल बना सकें, वो सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करें, वो किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, जो देशवासी हैं वो पुरानी बेकार की रस्मों के कारण गलत रास्ते पर ना पड़े, खुले विचारों वाले हों, अपने कामों में उदार हों, उनके काम चिरस्थाई हों, वो अपने विचारों और कर्तव्य में नैरो माइंडेड ना हों। जो पॉइंट है वो परमात्मा से बड़ी निष्ठा से प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासियों के लिए वो रास्ता रोशन कर दें और उनके देश को आज़ादी का सच्चा स्वर्ग बना दें। सो फ्रेंड्स, जो हमने लाइंस पढ़ी थी उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके अलावा सतगुरु इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है, आप सतगुरु इंस्टीट्यूट को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन लाइंस के क्वेश्चन आंसर्स को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रेरी डेजर्ट सैंड दैट द पोएट स्पीक्स ऑफ। पोएट ने ड्रेरी डेजर्ट सैंड में किसके बारे में बात की है? तो इसका आंसर है, ड्रेरी डेजर्ट सैंड इज द बैड कोर्स ऑफ यूजलेस कस्टम एंड डेड हैबिट्स। जो ड्रेरी डेजर्ट सैंड हैं वो यूजलेस कस्टम एंड डेड हैबिट्स हैं, यानी कि पुरानी और बेकार की रस्में रिवाजें। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट। पोएट क्या चाहते हैं? द पोएट वॉन्ट्स पीपल टू बी गाइडेड बाई लॉजिक। वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग लॉजिक द्वारा गाइड हों। दे शुड नॉट लीड डेड हैबिट्स एंड ओल्ड कस्टम्स। वो डेड हैबिट्स और ओल्ड कस्टम्स को लीड ना करें। दे शुड बी ब्रॉड माइंडेड, और वो ब्रॉड माइंडेड हों। यानी कि जो पॉइंट है वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग तर्क का इस्तेमाल करें, बेकार की रस्मों रिवाजों के कारण गलत रास्ते में ना पड़े और वो खुले विचारों वाले बने। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु लीड्स द पीपल इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम। हाउ हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के स्वर्ग में लोगों को कौन लीड करता है और कैसे? तो इसका आंसर है, गॉड लीड्स पीपल टू द हेवन ऑफ फ्रीडम। आज़ादी के स्वर्ग में परमात्मा लोगों को लीड करते हैं। ही डज दिस बाय लिविंग द लाइट ऑफ ट्रूथ एंड रीजन इन द पीपल। वो कैसे लीड करते हैं लोगों को? वो सत्य और कारण की रोशनी छोड़कर लोगों को हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी के स्वर्ग में लीड करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी फिफ्थ पॉइंट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसी के साथ हमारी पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम और फेसबुक किसी पर भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep watching Sadhguru Institute.